हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यादी शर्मा क्लासेस। तो दोस्तों, हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री डिस्कस कर रहे थे। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की इस सीरीज में सबसे पहले हमने सोनेट को समझा। पूरा सोनेट को हमने डिटेल में समझा था। मैंने आपको बताया था कि मेनली दो प्रकार के सोनेट होते हैं, पहला है इटालियन सोनेट, दूसरा है इंग्लिश सोनेट। फिर उसके बाद में अलग अलग प्रकार के मॉडर्न सोनेट, कर्टेल सोनेट, स्पेंसेरियन सोनेट, तो इस तरह के हमने सारे सोनेट जो है उनको कवर किया था। फिर दूसरी जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने समझा था कि लिरिक क्या होता है, लिरिक पोयम क्या होती है, और साथ ही साथ हमने एलेगी को समझा था, जिसमें हमने पेस्टोरल एलेगी को भी देखा था। और आज की इस क्लास में हम ओड, बेलेड और सेटायर, इन तीनों को समझने वाले हैं। इनके अंदर के फॉर्म्स को भी समझने वाले हैं, ओड के कौन कौन से टाइप हैं, ओड में आपका स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड, ये क्या होता है, क्योंकि देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो ये एक मास्टर वीडियो है जिसमें हम ये पोइट्री के तीन फॉर्म, ओड, बेलेड और सेटायर, इन तीनों को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, आज का ये इंटरेस्टिंग क्लास। मैं आपको बता दूं कि सत्यादि शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप पूरा का पूरा इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं ग्रेड टू के लिए। ये हमारा जो कोर्स है ये स्पेशली वर्ग दो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया है, तो ये आप परचेस कर सकते हैं। चलिए तो देखिए ओड क्या होता है। तो ओड जो होती है ये एक तरह की प्रेजिंग पोयम होती है। कौन सी पोयम? प्रेजिंग पोयम, पी आर ए आई एस आई एन जी, प्रेजिंग। प्रेजिंग का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। तो जनरली होता क्या था कि पुराने जमाने में जो राजा होते थे उन राजा के पेट्रोनेज में अलग अलग पोइट्स जो है वो वहां पर पोइट्री लिखा करते थे। तो भाई राजा मान लीजिए कोई युद्ध जीत के आया है, या फिर कोई जो राजा है वो कोई अच्छा काम कर रहा है प्रजा के लिए, है ना, तो उस समय पर राजाओं की प्रशंसा करने के लिए जो उनके पेट्रोनेज में जो पोइट्स होते थे वो अलग अलग प्रकार की कविताएं लिखते थे। तो ओड जो पोइट्री है ये जनरली उस राजा की प्रशंसा करने के लिए लिखी गई पोइट्री उस समय पर होती थी। धीरे धीरे अलग अलग टाइम बदलता गया और अलग अलग समय में अलग अलग पोइट्स ने एक ऐसी पोइट्री लिखी जिसके अंदर वो अपनी खुद की इनर फीलिंग्स को और साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्ति के करेक्टर को प्रेस करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए इस तरह की पोइट्री लिखना शुरू करते हैं। सो बेसिकली ओड इज ए लिरिकल स्टेंजा रिटन इन ए प्रेज फॉर ए पर्सन, इवेंट और थिंग। ध्यान रखना किसी पर्सन की, किसी इवेंट की, या फिर किसी थिंग की, किसी वस्तु की। भाई मान लीजिए कोई एक एक राजा जो है उसने एक बहुत बहुत अच्छा कोई सा मोन्यूमेंट बनवाया है, कोई अच्छा उसने एक स्टेच्यू बनवाया है, तो एक पर्टिकुलर थिंग की भी प्रशंसा करने के लिए जनरली हम इस पोयम का यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। ओरिजिनली ग्रीक वर्ड ओएड, ध्यान रखना ये जो ओड है ये ओ आई डी ई, इस वर्ड से जनरली इसका ओरिजिन हुआ है, ओ आई डी ई मीनिंग सॉन्ग, और ये एक ग्रीक वर्ड है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि ओड किस तरह की पोयम होती है, आपको ध्यान देना ओड एक प्रेजिंग पोयम होती है। दूसरा ओड जो है ये किस तरह का वर्ड है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है ओ आई डी ओइड, और इससे इस तरह की पोयम जो है उनका ओरिजिन होता है। इसका मतलब होता है सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना। एग्जाम्पल तो पीबी शैले ने बहुत सारी ओड लिखी है, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू ओटम, आपने पढ़ी भी होगी इनमें से कई सारी, है ना। तो जब आपने बीए करा, जब आपने एमए करा तो तब आपने पढ़ी भी होगी उसमें, है ना, ये ओड टू ओटम, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द नाइट एंगल। तो ये बहुत सारी ओड जो है ये पीबी शैले ने लिखी है, और उसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ओड कितने प्रकार की होती है। तो देखो जनरली ओड होती है तीन प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी पिंडारिक ओड, है ना, ये जो अक्षर है यहाँ पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर लिखा होना था, ये तीनों जो अक्षर है ये पता नहीं लिखने में आए नहीं है फॉर्मेट में, है ना, मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूं। तो ओड आपकी तीन प्रकार की होती है, एक होती है आपकी पिंडारिक ओड, दूसरी होती है आपकी होरेशियन, होरेशियन ओड, और तीसरी होती है आपकी इररेगुलर।
ध्यान रखना, तीन प्रकार की ओड होती है। पहली होती है पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड कौन सी होती है? जो पिंडार के द्वारा ओड लिखी गई है उन्हें हम पिंडारिक ओड कहते हैं। जो होरेस, ध्यान रखना एक ग्रीक राइटर हुए हैं होरेस, होरेस के द्वारा जो ओड लिखी गई है उन्हें हम होरेशियन ओड कहते हैं। और इररेगुलर ओड क्या होती है? जिनका कोई पर्टिकुलर मीटर नहीं होता उन्हें हम कहते हैं इररेगुलर ओड। आइए हम एक एक करके इनको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पिंडारिक ओड पे। पिंडारिक ओड क्या होती है? दिस स्टाइल वॉज नेम्ड आफ्टर द एंशियंट ग्रीक पोइट पिंडार। तो ये जो पिंडारिक ओड है ये एक ग्रीक पोइट हुए हैं जिनका नाम है पिंडार। तो उन्होंने बेसिकली एक नया पोइट्री लिखने का या फिर ओड लिखने का एक फॉर्मेट जो है वो डेवलप किया था, उसे हम पिंडारिक ओड कहते हैं। पिंडार्स ओड वर कोरल फॉर्म्स। कोरल क्या होता है? देखो कोरल मतलब जिन्हें गाया जा सकता है, यानी कि जब आप देखते होंगे कि जनरली जो आपका इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम होता है तो उसपे बहुत सारे बच्चे स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देते हैं, उसमें गाना वगैरह गाते हैं। तो कोरल्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हु सिंग ए सॉन्ग। तो कोरल्स में जनरली होता क्या है कि पोइट्री को एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो स्टेज पे जाके गाते हैं, उसका एक्सप्रेशन वो करते हैं, है ना। तो कोरल पोइम्स अबाउट द हीरोइक इंटेंडेड फॉर म्यूजिकल एकॉम्पनीमेंट एंड परफॉर्म्ड एट द पब्लिक इवेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक इवेंट में इनको परफॉर्म किया जाता है। पिंडारिक ओड्स फॉलो ए थ्री पार्ट स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट। ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक होता है स्ट्रोफी, एक होता है एंटी स्ट्रोफी और एक होता है आपका इपोड। ध्यान देना, कंक्लूडिंग इपोड। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये जो होती है पिंडारिक ओड इसमें क्या होता है? तो पिंडारिक ओड में एक होता है आपका स्ट्रोफी, strophe, स्ट्रोफी। एक होता है आपका एंटी स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी। और लास्ट में इसको कंक्लूड करता है इपोड। अब ये सर क्या होता है? देखो जनरली जब पोयम गाई जाती है तो एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो स्टेज पे ऐसे खड़े होते हैं, जब भी ओड को गाना स्टार्ट करते हैं तो राइट साइड में एक मूवमेंट होता है धीरे धीरे, इसे कहते हैं स्ट्रोफी। तो ये जो स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड जो है ना, ये एक मूवमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो स्ट्रोफी में क्या होता है कि राइट साइड जो आपका कोरस, जो आपका ग्रुप ऑफ पीपल है जो गाने को गा रहे हैं, जो पोयम को गा रहे हैं, वो ऐसे मूव करते हैं, तो ये होता है आपका स्ट्रोफी। फिर वो जब लेफ्ट मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं एंटी स्ट्रोफी। और जब वो स्टैंडिंग स्टिल बिल्कुल सीधे वहां पर खड़े होकर जब गाते हैं उसे हम कहते हैं इपोड। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों नेम जो है ये आपको ध्यान रखना है। पहला कि पिंडारिक ओट के अंदर हमें तीन ओट के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। पहला है आपका स्ट्रोफी, दूसरा है आपका एंटी स्ट्रोफी और तीसरा है आपका इपोड। इसमें स्ट्रोफी में हम मूव करते हैं राइट साइड में, आपको ये भी ध्यान रखना है ना। यहां पर मूव होता है, मूवमेंट होता है आपका राइट साइड में, यहां पर होता है आपका लेफ्ट साइड में और इपोड में स्टैंडिंग स्टील, स्टैंडिंग स्टील। ध्यान रखना इसमें बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे अगली स्लाइड पर। अगला आता है होरेशियन ओड। होरेशियन ओड क्या होता है? तो जो होरेस के द्वारा लिखी गई है उन्हें हम कह देंगे होरेशियन ओड। अभी हमने पढ़ा पिंडार के द्वारा जो ओड लिखी गई थी उन्हें हमने पिंडारिक ओड कहा। दिस टाइप ऑफ ओड वॉज नेम्ड आफ्टर द लेटिन पोइट होरेस एंड अनलाइक पिंडार्स हीरोइक ओड्स द होरेशियन फॉर्म इज मोर इंटीमेट, कंटेम्पलेटिव एंड इनफॉर्मल इन टोन एंड सब्जेक्ट मैटर। ध्यान रखना इसमें सब्जेक्ट का मेनली गेम होता है। वैसे ही कल भी हमने पढ़ा था, कल भी हमने एलेगी पढ़ा था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एलेगी के अंदर पर्टिकुलर मीटर ना हो, राइम ना हो तो चल जाएगा, लेकिन एलेगी के अंदर सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। और एलेगी जो है उसमें भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और एलेगी का सब्जेक्ट कैसा होता है तो मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एलेगी जो होती है वो एक मोर्नफुल पोयम होती है। कैसी होती है? मोर्नफुल पोयम होती है, यानी कि सैड सॉन्ग जनरली उसमें गाया जाता है एलेगी में। तो ये मैंने आपको कल बताया था, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए, सो कंटेंपलेटिव इनफॉर्मल टोन एंड सब्जेक्ट मैटर दीज आर आल्सो कॉल्ड होमोस्ट्रोफिक ओड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी होरेशियन ओड है उन्हें हम होमोस्ट्रोफिक ओड भी कहते हैं। एज ए कंसिस्ट मीटर, ध्यान रखना इसके अंदर पर्टिकुलर मीटर होता है, इसके अंदर लाइन लेंथ होता है और इसके अंदर पर्टिकुलर राइम स्कीम भी यूज्ड होती है।
यूज थ्रू आउट द इंटायर पोम दे आर जनरली रिटन इन कपलेट्स टू लाइन स्टेंजा और क्वार्टरेंस फोर लाइन स्टेंजा। तो हमने क्या सीखा कि जो होरेशियन ओड होती है हमारी, होरेशियन ओड में जनरली एक पर्टिकुलर मीटर होता है, पर्टिकुलर उसकी राइम स्कीम होती है, और ये आपकी कपलेट और कपलेट के साथ साथ आपकी क्वार्टरेन, क्वार्टरेन यानी कि आपकी दो लाइन और आपकी चार लाइन स्टेंजाइक पैटर्न में लिखी जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस यहां से रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आ जाते हैं ओट का तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार होता है आपका इररेगुलर ओट। ये क्या होती है? तो जिस प्रकार से होरेशियन ओट का एक पर्टिकुलर मीटर होता है, पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है, उसके ठीक अपोजिट इररेगुलर ओट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एज द टर्म इंडिकेट दीज ओट्स आर दे डू नॉट फॉलो द कन्वीनियंस ऑफ द पिंडारिक और होरेशियन फॉर्म्स, यानी कि ना तो ये पिंडारिक फॉर्म फॉलो करती है और ना ही ये होरेशियन फॉर्म फॉलो करती है। ट्रेडिशनली दीज पोएम्स फॉलो सर्टेन पैटर्न ऑफ राइम एंड मीटर, ध्यान रखना, सर्टेन पैटर्न ऑफ राइम एंड मीटर, बट दे डू नॉट एदर टू सेम द स्ट्रक्चर ऑफ द अदर टाइप्स, यानी कि इसके अंदर या तो मीटर हो भी सकता है या मीटर नहीं भी हो सकता है, या इसमें राइम हो भी सकती है या राइम नहीं भी हो सकती है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर मीटर या पर्टिकुलर राइम स्कीम को फॉलो ही करेगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एज ऑफ द मिड 90s मेनी इररेगुलर ओट्स हैव बीन रिटन एंटायरली इन फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स नाम से ही पता चल रहा, फ्री वर्स यानी कि ना तो जिसमें कोई राइम हो ना जिसमें कोई मीटर हो। देयर राइटर्स नो लॉन्गर यूटिलाइजिंग इवन इन इररेगुलर राइम स्कीम्स और मेट्रिकल पैटर्न। अच्छा, अगर आपको डाउट हो रहा हो कि सर मीटर क्या होता है, तो एक क्लास में मीटर पर भी लेके आ जाऊंगा, तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या मीटर या फिर जो आपका स्ट्रक्चर होता है या फिर फूट क्या होता है, फीट क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, अगर आपको इसमें डाउट है तो वो भी हम एक क्लास जो है कि उसकी भी यहाँ पर यूट्यूब पर ही कर लेंगे। बाकी एप्लीकेशन पे तो जो होना है वो तो होगी ही, लेकिन हम यूट्यूब पर भी ये क्लासेस कर लेंगे, है ना। तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ये शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग दो की न्यू बैच है, ऑनलाइन बैच, इसमें मात्र 1499 रुपीज में आपको इंटायर वर्ग दो का मेंस का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें ग्रामर आपको पढ़ाएंगे तंवर सर और लिटरेचर का पूरा पोर्शन पढ़ाऊंगा मैं यानी कि दीपक सर, है ना। तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। आपको सत्याधि शर्मा क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सत्याधि शर्मा क्लासेस ये आप लिखेंगे प्ले स्टोर पर, और ये आपका iOS और साथ ही साथ आपका एंड्रॉइड, है ना, दोनों पर अवेलेबल है ये, iOS और एंड्रॉइड दोनों पर ये एप्लीकेशन जो है ये रन हो जाता है। तो आप ये इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से मात्र 1499 रुपीज़। और इसमें भी एक ऑफर है, अगर आप मेरा एक कोड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर कैपिटल में DEEPAKSIR ये अगर आप कोड यूज करते हैं दीपक सर, तो आपको इस पे 20% डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप परचेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हम आते हैं सेटायर पर। तो अभी हमने देखा ओड, ओड के बारे में बेसिक सी चीजें जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि ओड एक प्रेजिंग पोएम होती है जिसके अंदर प्रशंसा की जाती है। ओड तीन प्रकार की होती है, पहली होरेशियन ओड, दूसरी पिंडारिक ओड और तीसरी इररेगुलर ओड। और आपको यह ध्यान रखना है कि स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड, दीज थ्री आर द फॉर्म्स ऑफ ओड, ये भी ओड के ही प्रकार है। इपोड जो है वो स्टैंडिंग स्टिल, उसमें जो आपका कोरस जो है वो एकदम खड़ा रहता है, स्ट्रोफी में वो राइट में मूव करता है और एंटी स्ट्रोफी में वो लेफ्ट में मूव करता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेटायर पर। सेटायर क्या होता है? सेटायर मतलब जनरली, सेटायर का हिंदी में मतलब होता है व्यंग। क्या होता है? व्यंग। इट इज ए टेक्निक और लिटरली डिवाइस विच इज यूज्ड बाय राइटर टू क्रिटिसाइज और एक्सपोज समथिंग। जनरली आपने देखा होगा, जनरली क्या होता है कि जब, जैसे हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छे कवि है कुमार विश्वास। अब कुमार विश्वास क्या करते थे? कुमार विश्वास अभी भी व्यंगात्मक तरीके से कविताएं कहते हैं, है ना। और उनका जनरली जो सेटायरिकल जो तरीका है, यानी कि उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके ऊपर एक व्यंगात्मक रूप में अपनी बात भी कह देना और एक पोएट्री का फॉर्म भी हो गया, वो अपनी बात भी उन्होंने कह दी और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। तो जो कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि कवि जो है वो व्यंगात्मक रूप से अपनी बात
कहता है, तो उसे ही हम कहते हैं सेटायर। तो सेटायरिकल जो पोइट्री है ये इसका एक पैटर्न है। इट इज अ टेक्निक और लिटरेरी डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड बाय द राइटर्स टू क्रिटिसाइज और एक्सपोज समथिंग। तो आपसे बस प्रश्न यही पूछेगा कि टू क्रिटिसाइज और एक्सपोज समथिंग व्हिच फॉर्म ऑफ पोइट्री या विच टाइप ऑफ पोइट्री वी यूज्ड, तो उसे हम कहेंगे सेटायर। द वर्ड सेटायर डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ध्यान आपको ये रखना है, सेटायरिस, ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड सेटायरिस, इससे ये शब्द बना है, ए टाइप ऑफ ग्रीक कॉमेडी। द राइटर यूज द फिक्शनल कैरेक्टर इन ए सेटायर बट दे स्टैंड फॉर ए रियल कैरेक्टर फॉर पीपल टू एक्सपोज एंड कंडम द इल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। इल मतलब होता है जो सोसाइटी के अंदर बुराई जो प्रचलित है, तो सोसाइटी की बुराई को, सोसाइटी की गंदी चीजों को, गंदे नॉर्म्स को दिखाने के लिए, उन्हें एक्सपोज करने के लिए जो पोइट्स होते थे वो पोइट जो होते थे वो सेटायर का यूज करते थे, है ना। तो समाज की ऐसी बुराई है या समाज में ऐसा कुछ हो रहा है जिसे हमें दिखाना है लोगों को, तो सेटायरिकल वे में जनरली जो पोइट्स है वो अपनी कविताएं कहते थे ताकि भेस भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, एक एग्जाम्पल है ये। अब क्या हुआ कि ये तीनों लोग जो है, चार लोग, ये बाइक पे बैठ के जा रहे थे, है ना। तो ये पुलिस वाले ने पकड़ लिया इनको। अब पुलिस वाला जब इनको पकड़ता है तो पुलिस वाला इनसे कहता है कि कहाँ भैया, क्या चार लोग बैठे हो तुम, ए क्या कर रहे हो ऐसे, चलो चालान बनेगा तुम्हारा। तो इनमें से एक कहता है कि चालान ही काट दो साहब, अपनी अपनी गाड़ियों से जाते हैं तो जितने का पेट्रोल लगता है उतने से सस्ता ही पड़ेगा, है ना। तो ये एक व्यंग है, ये एक सटायर है ये। तो जब भी आप सोसाइटी की किसी बुराई को, सोसाइटी की किसी इल को जब भी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं तो आप सेटायरिकल माध्यम से ही उन्हें आप दिखा सकते हैं, जिससे ना तो लोगों को बुरा लगे और अपनी बात भी अपन कन्वे कर पाए उन तक, है ना। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है सेटायर यूज्ड आयरनी एंड ह्यूमर। बिल्कुल, सेटायर के अंदर आपको आयरनी देखने के लिए मिलेगी। आयरनी मतलब विडंबना। आयरनी एक, ये भी एक फॉर्म होता है पोइट्री का, है ना। ये मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा कि जनरली क्या होता है कि अलग अलग तरह की आयरनी होती है ना। तो ड्रामेटिक आयरनी अलग होती है, मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक भी। तो आयरनी का मतलब ये होता है कि बड़ी विडंबना वाली स्थिति बहुत बार हो जाती है, जैसे कि हमने कहा कि पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई, तो ये क्या है, पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, मतलब कि ये बड़ी विडंबना है ना कि यार पुलिस ही चोर, मतलब पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई, जिसका काम चोर को पकड़ना है वहीं पर चोरी हो गई। या फिर हमने कह दिया कि डॉक्टर को फीवर आ गया, अब डॉक्टर को फीवर आ गया ये भी एक बड़ी आयरनी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ह्यूमर तो आप सभी को पता है, टू एम्फेसाइज द फ्लॉज प्रिवेलेंट इन ए सोसाइटी, पीपल मे पिक अप ए सेटायरिकल बुक और वॉच ए सेटायरिकल मूवी होपिंग टू बी द इंटरटेन बट एंड अप थिंकिंग अबाउट इश्यूज एंड परस्पेक्टिव दे नेवर थॉट ऑफ बिफोर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है पोएट्री के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई सा सेटायरिकल, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, सेटायरिकल मूवीज जो है कि बनती है, तो जब हम उसको पढ़ते हैं ना तो हम हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब जब तक उसका एंड आ जाता है, किसी भी मूवी को अगर आप देख रहे हैं मान लीजिए, तो उस मूवी को देखते देखते जब आप लास्ट में आ जाते हो ना, तो उसमें एक मैसेज छिपा हुआ रहता है। तो वैसे ही सेटायर के अंदर एक मैसेज आपका छिपा हुआ रहता है। द राइटर्स इंटेंशन ऑफ यूजिंग सेटायर इज इंप्रूविंग सोसाइटी। ध्यान रखना, सेटायर जनरली क्यों यूज करते हैं वो अपनी कविता में, क्योंकि वो इम्प्रूव करना चाहते हैं सोसाइटी को। सोसाइटी के अंदर जितने भी हम कह सकते हैं कि बुराइयां हैं, उन बुराइयों को वो खत्म करना चाहते हैं। बाय क्रिटिसाइजिंग देयर फोलीज एंड फोबील्स द राइटर सी द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट्स इट कनेक्टेड करेक्टेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेटायर जनरली यूज किए जाते हैं क्यों, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की इल को, इविल को दूर करने के लिए। तीन तरह के सेटायर होते हैं, हालांकि ये इतना डीप आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। होरेस द्वारा लिखे गए होरेशियन सेटायर, है ना, जुवेलाइन सेटायर और मेनिपियन सेटायर। तो ये सेटायर के फॉर्म होते हैं। तो सेटायर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के सेटायर होते हैं। और अभी इसके पहले हमने ओड पढ़ा, ओड भी आपकी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की आपकी ओड होती है। नेक्स्ट हम आते हैं बेलेट पर। बेलेट क्या होता है, ध्यान रखना, इससे बेलेट से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपसे पूछेगा कि बेलेट क्या होता है। तो बेलेट एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है। कैसी होती है बेलेट, बेलेट एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है। लॉन्ग नैरेटिव पोयम बेलेट जो होती है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है। यानी कि देखो, बेलेट बेलेट का आविष्कार कैसे हुआ, उसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है। हुआ यह था जनरली कि पुराने समय में जो हम कह सकते हैं कि जो राजा महाराजा है
वो कुछ भी काम करते थे तो जो पोइट्स होते थे, उनके जो दरबारी कवि होते थे, वो उनका पूरी जर्नी सुबह से लेके शाम तक जो भी उन्होंने करा है वो पूरा का पूरा बताते थे, है ना। और आपने देखा होगा कि जनरली जो बैलेड है उनका कोई राइटर नहीं होता है, उनका कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं होता है। बैलेड जो है ना, ये समय के साथ मॉडिफाई होते चले जाते हैं। जैसे कि बैलेड का एक सबसे अच्छा देसी एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो वो है हमारे यहाँ पे शादी में, वेडिंग सीजन में जो महिलाएं भजन या गाना गाती है ना, आपने देखा होगा महिलाएं गाने गाती रहती है, तो वो बैलेड ही होते हैं, वो बैलेड ही होते हैं, है ना। जैसे कि वो जो गाने हैं उनका ऑथर कौन है, उनके राइटर कौन है, उसके बारे में उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पता है कि हाँ शादी में भैया अगर मान लो वरमाला हो रही है, फेरे हो रही है, तो ये भजन गाना है, ये गाना गाना है ना। किसी के यहाँ जो बाना वगैरह होता है ना सिस्टम, हमारे यहाँ मालवा में तो होता है, मालवा कल्चर में बाना बिठाते हैं, माता पूजन करते हैं, तो पर्टिकुलर इवेंट का एक पर्टिकुलर भजन होता है, एक पर्टिकुलर सॉन्ग होता है, और वो महिलाओं के द्वारा ही गाया जाता है। अच्छा, महिलाओं को पता नहीं होता है कि ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, इनके ऑथर कौन है, लेकिन फिर भी वो गाए जाते हैं। तो ये एक बैलेड का अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ए बैलेड इज ए टाइप ऑफ पोम दैट टेल्स ए स्टोरी। ध्यान रखना, क्या करती है ये, स्टोरी बताती है। जैसे कि आपने आला उदल की कहानी अगर सुनी हो, आला उदल आप यूट्यूब पे डालना, आला उदल, है ना, तो बहुत लंबी कहानी है वो, तो वो एक बैलेड का ही फॉर्म है वो। ठीक है, इट टेल्स ए स्टोरी एंड वाज ट्रेडिशनली सेट टू म्यूजिक। तो ध्यान रखना, म्यूजिक के साथ ही जो बैलेड पोएम है उनको गाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज बैलेड्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ फोर लाइन स्टेंजा दैट फॉलो एंड ABCB राइम स्कीम। तो इंग्लिश के अंदर जो बैलेड होती है वो चार लाइन के स्टेंजा यानी कि क्वार्टरेन फॉर्मेट में होती है ना, वो आपकी क्वार्टरेन फॉर्मेट में होती है और एक पर्टिकुलर राइम स्कीम फॉलो करते हैं ABCB, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थीम क्या हो सकती है, थीम कुछ भी हो सकती है इसकी, पेट्रियोटिक हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, या फिर हम जो शादियां वगैरह में भी जो गाए जाते हैं वो भी एक बैलेड का ही एक अच्छा एग्जांपल है। द बैलेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोइटिक फॉर्म इन द इंग्लिश। बिल्कुल ये सही बात है, जो बैलेड है ये सबसे पुराना पोइटिक फॉर्म है। ध्यान रखना, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि विच इज द ओल्डेस्ट पोइटिक फॉर्म इन इंग्लिश, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बैलेड, है ना। तो बैलेड सबसे पहले लिखे गए हैं और आज तक जो बैलेड है वो चल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि बैलेट जनरली कितने प्रकार के होते हैं। जनरली दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है फोक बैलेट और दूसरा होता है लिरिकल बैलेट। फोक बैलेट क्या होता है, फोक बैलेट को हम पहले तो ट्रेडिशनल बैलेट भी कह सकते हैं। देट एग्जिस्टेड एज एन ओरल, यानी कि जो ओरल गाए जाते हैं, है ना, म्यूजिक के साथ, जनरली म्यूजिक होता है ये हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, फोक बैलेड, या फिर इन्हें हम एक और नाम कह सकते हैं ट्रेडिशनल बैलेड, है ना। ट्रेडिशंस बिफोर दे वर रिकॉर्डेड इन रिटन लैंग्वेज, दीज बैलेड्स आर देयरफॉर टिपिकली नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी वन ऑथर। ध्यान रखना, तो इनका हमें पता नहीं होता है कि पर्टिकुलर कोई एक ऑथर इनका होगा, है ना, लेकिन ऑथर तो होता है भाई, किसी ने तो लिखा होगा ना इनको, लेकिन जो गाने वाला व्यक्ति है उसे इनके ऑथर के बारे में पता ही नहीं रहता है। दीज आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट बैलेड एंड दे टेंड टू टेल स्टोरीज ऑफ लव एंड एडवेंचर। फोक बैलेड्स टिपिकली एम्प्लॉय कॉमन मीटर, सच बैलेड्स वर वेरी पॉपुलर इन द 15th सेंचुरी, ट्रेडिशनल बैलेड्स डील विद वेल नॉन स्टोरीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 15th सेंचुरी में बैलेड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे और अलग अलग तरह की जो स्टोरी से ये बैलेड के माध्यम से गाई जाती थी। तो ये था आपका ट्रेडिशनल बैलेड या फोक बैलेड। दूसरा आपका जो बैलेड आता है वो होता है आपका लिरिकल बैलेड। लिरिकल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, लिरिकल नाम से समझ में आ रहा है, ऑल्सो कॉल्ड लिटरली बैलेड, लिटरली बैलेड आर पोयम दैट बिगेन टू अपियर इन द 18th सेंचुरी। तो सबसे पहले 15th सेंचुरी में फोक बैलेड आए थे जिन्हें हम ट्रेडिशनली बैलेड भी कहते हैं, और 18th सेंचुरी में आपको हमें लिरिकल बैलेड देखने के लिए मिलता है एज ए न्यू वेरिएशन ऑन द फोक बैलेड एंड कंटिन्यू टू बी पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक ये पॉपुलर रहे हैं। दिस वॉज नॉट सेट टू म्यूजिक। ध्यान रखना, जो आपके लिरिकल बैलेड है वो आपके म्यूजिक पे सेट नहीं होते थे, मतलब कि उनके म्यूजिक के साथ वो नहीं गाए जाते थे, जबकि फोक या ट्रेडिशनल बैलेड जो है वो म्यूजिक के साथ गाए जाते थे। ऑल्दो द रोमांटिक पोइट्स हु पायोनियर्ड द फॉर्म ऑफ लिरिकल बैलेड वर इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिकल ट्रेडिशनल सराउंडिंग ट्रेडिशनल फोक बैलेड। आपने देखा भी होगा विलियम शेक्सपियर और एसटी कॉलरेज का एक कलेक्शन आया था पोइट्री का, जिसे हम कहते हैं लिरिकल बैलेड, है ना, और ये कब आया था, 1798 में,
1798 में, यानी कि कहीं ना कहीं ये 18th सेंचुरी में आया था। तो 18th सेंचुरी में लिरिकल बैलेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे, और ये फिर 19th सेंचुरी तक हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब चलते हैं, या 19th सेंचुरी तक इनका ट्रेंड बना हुआ है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जॉन किट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जॉन किट्स का हो गया ला बैलेट, डेम सेंस मर्सी, ए बैलेट, ये भी एक एग्जाम्पल है। इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द लिरिकल बैलेट्स डिपार्चर फ्रॉम द फॉर्म ऑफ ए ट्रेडिशनल बैलेट, व्हाइल दिस पोएम एम्प्लॉयज द ए बी सी बी राइम स्कीम एंड रिफ्रेन, ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स। रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन जनरली क्या होता है, जब भी आपकी लाइन जो है वो बार बार रिपीट होती हो उसे हम कहते हैं रिफ्रेन। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये भी एक टर्म है रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब जहां पर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है लाइन। लिरिकल बैलेट द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ध्यान रखना ये पहली पोयम है उसकी, है ना। और ये जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है ये लिरिकल बैलेट में पब्लिश हुई थी। और इसके अलावा लिरिकल बैलेट में के अंदर जो है कि बहुत सारी जो पोयम है वो पब्लिश हुई थी। अब आपको कमेंट में मुझे ये बताना है कि लिरिकल बैलेट में टोटल कितनी पोयम थी, टोटल पोयम कितनी थी, और उसमें से एस टी कॉलरेज की कितनी पोयम थी, और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की कितनी पोयम थी। ये आप मुझे बताइए कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज दोनों का एक कलेक्शन आया था पोएट्री का 1798 में, जिसे हम लिरिकल बैलेट कहते हैं, और इसके अंतर्गत टोटल कितनी पोयम थी, और उनमें से एस टी कॉलरेज की कितनी पोयम थी, और विलियम वर्ड्सवर्थ की कितनी पोयम थी, ये आपको मुझे बताना है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर होता है खत्म। अब हम कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बैलेट का, ये देखिए आप, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पहले लॉयटरिंग। तो ये एक एग्जाम्पल है जनरली। तो या हम यहाँ पर क्या चीज देखने के लिए मिले हमें, देखिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्वार्टरेन में होता है जनरली ये, है ना, क्वार्टरेन में होता है। और यहाँ पर भी आपको कितनी लाइन देखने के लिए मिल रही है, 4 लाइन। तो जो बैलेट है आपके वो क्वार्टरेन में जनरली लिखे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो बैलेट ऑफ, अब देखो ये पता है ये काम की चीजें हैं सारी, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न आता है ना तो शब्दों का ही तो पूरा खेल है वहां पर, है ना। जैसे कि ये देखिए, बैलेट ओपन्स एब्रप्टली विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, कि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं बैलेट। फिर देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेट दैट गिविंग वन स्ट्रिक्ट डेफिनेशन टू फिट ऑल ए सॉन्ग और पोयम दैट टेल्स ए स्टोरी। मेनी बैलेट्स हैव ए रिफ्रेन, ए लाइन और स्टेंजा दैट रिपीट थ्रू आउट द पोयम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिफ्रेन मतलब कि कोई सी एक पर्टिकुलर लाइन होती है, पर्टिकुलर स्टेंजा होता है जो बार बार रिपीट होता हुआ चला जाता है उस पोएट्री के अंदर, मच लाइक द कोरस ऑफ मॉडर्न डे सॉन्ग। और आजकल के सॉन्ग में तो ऐसा होता ही है, आज के जितने भी गाने हैं ना आपके, उसमें आप खुद बताइए रिफ्रेन का कितना यूज होता है। भाई एक लाइन जो स्टार्टिंग में आ गई वो लाइन बार बार चलती है लास्ट तक पूरे गाने में, वो सिंगल लाइन जो स्टार्टिंग की लाइन है वो बार बार रिपीट होती चली जाती है, ठीक है। तो ये था आपका बैलेट। तो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा ओड के बारे में, फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा सेटायर के बारे में, और अभी हमने देखा बैलेट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा हम एलेगी भी देख चुके हैं, एलेगी क्या होता है, इसके अलावा हम लिरिक भी देख चुके हैं, इसके अलावा हमने सोनेट भी देख लिया है, ठीक है। और अभी मैं आपको इपिक भी बता दूंगा, फिर साथ ही साथ एक एक और पोइट्री होती है जापानीज फॉर्म ऑफ पोयम, इसे हम कहते हैं हेकू ये, और एक होता है लिमेरिक। तो देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, अपार है, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो चीजें पढ़ाना चाहता हूं जो आपके वर्ग दो के काम की है, है ना। क्योंकि देखो मैं तो अगर पढ़ाने बैठूं तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मतलब लगभग एक महीने पूरा निकल जाए, आपके एक महीने में भी कंप्लीट टॉपिक ना हो, लेकिन हमें वर्ग दो में क्या चीज काम आएगी, क्योंकि अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये एग्जाम हम पास करें, ठीक है। चलिए बताइए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला प्रश्न है, ए टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री विच टेल्स ए स्टोरी। मैंने अभी आपको बताया था, ए टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री विच टेल्स ए स्टोरी, ए लॉन्ग पोएम दैट यूजुअली टेल्स द स्टोरी ऑफ ए लेजेंड और हीरो। अब देखो ध्यान से देखना शब्दों का खेल है। अब यहां पर आपका, अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो बैलेड होती है आपकी, बैलेड जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जनरली बैलेड के अंदर हम स्टोरी जो है वो बताते हैं, एक लंबी पोएम होती है। लेकिन क्या ऑप्शन में कहीं पर भी आपको बैलेड नजर आ रहा है? आपको दे रखा है इपिक, आपको एलेगी, आपको लिरिक, या फिर आपको फ्री वर्स। अब चार ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, अब इन चारों ऑप्शन को देखकर ही आपको आंसर लगाना है। अब आपने पढ़ा तो ये है कि सर बैलेट जो पोएम होती है उसमें लंबी स्टोरी होती है, वो नैरेटिव पोएट्री होती है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखो हमें बाकी चीजें तो पता है ना, एलेगी एक मॉर्नफुल पोएम होती है, लिरिक पोएट्री जो होती है लिरिक में लायर इंस्ट्रूमेंट के साथ म्यूजिकल फॉर्म में गाई जाती है, फिर फ्री वर्स
फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स मतलब कि ऐसी पोइट्री जिसके अंदर कोई मीटर कोई राइम ना हो। लेकिन क्या ये पूछा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे पूछा है कि लंबी नैरेटिव स्टोरी जिसमें कोई कहानी बता रहे हो तो वो होता है आपका इपिक। तो इपिक भी एक फॉर्म ही है, ध्यान रखना। इपिक पोइट्री जो होती है, तो बेलेड जो पोयम है, बेलेड पोयम इपिक का ही एक भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़े आगे। अगला प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इपिक। अगला प्रश्न है, ए शॉर्ट जापानीज पोम ऑफ थ्री लाइन विच इवोक्स एलिमेंट ऑफ नेचर इज कॉल्ड। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक जापानीज पोयम होती है जिसके अंदर तीन लाइन होती है और टोटल इसमें होते हैं 17 सिलेबल। कितने? 17 सिलेबल टोटल इसमें होते हैं और इसके अंदर तीन लाइन होती है और इसे हम कहते हैं हेकू। हेकू ये आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह की जापानीज पोयम है, ये जापानीज पोयम, ठीक है। तो हेकू जो होती है वो जापानीज पोयम होती है, तीन लाइन की होती है और टोटल 17 सिलेबल इसके अंदर होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो हेकू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहां पर एक और देखो, लिरिक पोइट्री, विनेलल पोइट्री या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी कि जब एक, आपने एक नाम सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग का फादर मानते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग में जनरली क्या होता है कि जो पोइट होता है वो अपनी पोइट्री ऑडियंस के सामने पेश तो करता है, लेकिन वो ये मान लेता है कि सामने ऑडियंस बैठी है, जबकि सामने कोई ऑडियंस नहीं होती है। और मोनोलॉग, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी कि इसका जो स्पीकर होता है वो कौन होता है? एक ही व्यक्ति होता है, एक सिंगल स्पीकर होता है जो पोइट्री को गाता है, नरेट करता है, और सामने ऑडियंस कोई भी बैठी हुई नहीं होती है, लेकिन वो ऐसा मान लेता है कि ऑडियंस बैठी हुई है और वो मुझे सुन रही है, वो होता है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग। अगला प्रश्न है, फॉर्म ऑफ पोइट्री विच इज स्ट्रक्चर्ड इन स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ओड जो होती है आपकी, ओड में खासकर जो हमने पढ़ा था पिंडारिक ओड, उसमें हमने ये तीनों जो है का तीनों वर्ड हमने पढ़े थे, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। और मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि स्ट्रोफी जो आपका होता है इसमें एक मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट जो है वो होता है राइट साइड में, एंट्री स्ट्रोफी में जो मूवमेंट होता है वो होता है लेफ्ट साइड में, और इपोड में जो मूवमेंट होता है तो इसमें जनरली स्टैंड यानी कि बिल्कुल खड़े हुए रहते हैं वो, इसमें है ना, स्टैंडिंग स्टील। ध्यान रखना, ये वर्ग एक का मेंस का जब पेपर हुआ था ना पिछली बार, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद से कई सारी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल यूजीसी नेट में भी आया था, हालांकि उसका थोड़ा सा नेचर अलग था, ये डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कोरिलेटिव कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ओड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, एनी पॉम दैट टेल्स ए स्टोरी। अब देखिए, जहां पर स्टोरी बताई जाती है तो वो कैसी होती है? नरेटिव पोयम होती है, ए लॉन्ग नरेटिव पोयम, ध्यान रखना, लॉन्ग नरेटिव पोयम, है ना, जहां पर क्या हो रहा है, स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपको समझ में आई होगी। बताइए, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ डाउट है क्या? अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो बेझिझक पूछ सकता है। चलिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, है ना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक इन द सेंस जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, है ना, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के सच में भी मेरे, मतलब पहले ऐसा था कि एक लगता था लेवल वाले बच्चे हैं, लेकिन अब सच में बिल्कुल जीरो से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपके इतने सिली सिली क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि देखो, मुझे पता है इसमें और कोई गलत भी नहीं है कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू नहीं करा, मतलब रेगुलर फॉर्म में नहीं करा। बहुत सारों का ग्रेजुएशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से है और वो कभी कॉलेज गए ही नहीं है, तो उन्होंने ये शब्द पहले कभी सुने ही नहीं है। तो क्योंकि पहले मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा था, थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ा रहा था, लेकिन बच्चों के कमेंट आए, बच्चों के कॉल तक भी आए, मैसेज आए कि सर प्लीज हमें बचा लो, हमने गलती ये कर दी कि हमने रेगुलर फॉर्म में अपना रेगुलर, मतलब यूनिवर्सिटी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हमें बिल्कुल जीरो से आप पढ़ाओ,
इसीलिए मैंने अपनी थोड़ी सी स्पीकिंग जो स्पीड है उसको भी मैंने स्लो कर दिया। थोड़ा पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है लेक्चर कि सर ये सारी चीज़ें पिछली बार तो हमने 2-3 लेक्चर में खत्म कर दी थी और मतलब फास्ट फास्ट कर दी थी, अब इतना टाइम क्यों लग रहा है, कि तो मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ है ना। और बस हम ये स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर धीरे पढ़ेंगे जिससे आपकी एक रिदम बन जाए, और एक बार एक रिदम बनी आपकी तो फिर आप खुद ही स्पीड पकड़ लोगे। क्योंकि देखो ये बेटा बेस है, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, और जब भी आप लिटरेचर को पढ़ना शुरू करोगे तो ये बेस है। अब इसके बाद क्या आएंगे, इसके बाद 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इसकी एनसीईआरटी हमें पढ़ना है। इसमें से ऑलरेडी मैंने 9th और 10th की एनसीईआरटी तो कंप्लीट ही करवा दी है ना। अभी हम 6, 7, 8 की एनसीईआरटी वापस से स्टार्ट करने वाले हैं और उनको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक, जैसे आपका अगर पेडागोजी आता है सिलेबस में तो पेडागोजी भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, पेडागोजी भी हम पढ़ेंगे, ग्रामर भी हम पढ़ेंगे, और ऑलरेडी आपकी ग्रामर तोमर से पढ़ ही रहे, आपकी ग्रामर चली रही है। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि ये मौका है, इसे जाने मत दो, है ना, इसे जाने मत दो। ये ऐसा मौका है कि आप समझ भी नहीं सकते कि इसके बाद कब वैकेंसी आएगी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माना कि आंखों में नींद बहुत है लेकिन अभी सोना नहीं है, माना कि आंखों में नींद बहुत है लेकिन अभी सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर गुजरने का, इसे खोना नहीं है। तो ध्यान ये देना है कि जब समय निकल जाता है तो फिर जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, कुछ भी हाथ में नहीं रहता है। तो अभी से तैयारी करिए, और तैयारी करने के साथ साथ कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पर ऑलरेडी चल रही है, अभी फिर से हमारी संडे के बाद से 2-2, 3-3 क्लासेस रहेगी जिसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।